दिल्ली विच सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद ढाए गए रविदास मंदिर के मामले से 30 सितंबर को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इसके मद्देनजर रविदास भाईचारे के लोगों वालों श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे मत्था टेके अरदास की गई कि फैसला उन्होंने हक में आए। इस मौके वड्डी गिनती विच सिख संगत मौजूद रही। अगे वधिया सारागढ़ी के शहीदों को याद करते हुए तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी वालों ज्ञान भवन गांधी मैदान में समागम कराया गया। इस दौरान नाटक की पेशकारी की गई। इस मौके तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित जथेदार रणजीत सिंह गोहरे मस्कीन दिल्ली कमेटी की सीनियर मीत प्रधान बीबी रणजीत कौर जनरल सकत्तर महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन समेत तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के समूह अहदेदार मौजूद रहे। इस मौके उन्होंने कहा कि इतिहास गवाए कि किस तरह केवल मुठ्ठी भर सिखा ने हजारा अफगानिया का मुकाबला किया। भले ही उन्होंने शहीदी पाई पर अफगान फौज न भज दौड़ लगाई रखा। अज सारागढ़ी का जहाँ प्रोग्राम होया बहुत वड्डा प्रोग्राम होया बहुत वधिया प्रोग्राम होया। मैं इस प्रोग्राम वास्ते मुबारकबाद दिना जिन्होंने एक्ट किया उन्होंने भी तो मैं अपनी कमेटी के खास तौर पर सरदार इंद्रपाल सिंह ढिल्लों जनरल सकत्तर छावड़ा साहब उनके नाल हो जाने साढ़े मैंबर ने जगजोत सिंह तीर अपने खनूजा साहब सारे जिन्हें साढ़े मैंबर ने सब ने साथ दिता और मैं कहना इन्होंने 4 दिन की मेहनत ने एडा वड्डा इकट्ठ किया वो होना चाहिए सी क्योंकि ये प्रचार करना बहुत जरूरी आ। ये सारागढ़ी जी जंग है ये एक संसार की बहुत वड्डी जंग है दुनिया के ना है बाहर के प्रदेशों में पढ़ाया जाता किताबा लगिया हुई बरतानिया लगिया हुई फ्रांस में लगिया हुई बुत लगे उत्ते उन्होंने कि एड्डी वड्डी जंग किस तरह जित गया किस तरह लड़ाई लड़ी एक ही सिंह ने 10,000 अफगाना का किस तरह मुकाबला किया। सो इस करके अपने इतिहास में दोहराना अपने इतिहास में गल दिखा लोगों लोगों में गल जाए कि सिख कौम कि बहादुर आ जिमें 10वें पातशाह ने कहा 1,25,000 से एक लड़ा तवि गोबिंद सिंह नाम कहूँ सूरा सो पहचाने जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कटवरे कभू ने छे खेत वो गल साबित कर दी इन्होंने एक जवानों ने पिछा मुड़ के नहीं देखा भजन की गल नहीं की छड़न की गल नहीं की वो मिन्नत भी करते रहे छड़न वास्ते भी कहते रहे लालच भी देते रहे लेकिन लेकिन उत्तर शहीद होना प्रवान किया पिछे हटना नहीं कि गुरु का सिख पिछे नहीं हट सकता शहीद हो सकता कुरबान हो सकता उन्होंने करके विखाया। बहुत वड्डी गल है बहुत वड्डा इतिहास है सब नूं मुबारक सारे करन वालेयां नूं भी ते करवाउण वालेयां नूं। मैं कमेटी दे अपने प्रबंधकां दा खास तौर ते ढिल्लों साहब दा बहुत धन्नवाद करदा। अज जिहड़ा इत्थे पटना दे बहुत वड्डे बापू सभागार गांधी मैदान च सारागढ़ी इक ललकार प्ले होया है लाइट साइट एंड साउंड दा जिस विच 90% तो ज़्यादा जिहड़े पार्टिसिपेट ने वो पार्टिसिपेट कर रहे ने वो गुरसिख ने अमृतधारी ने। सारागढ़ी बैटल एक संसार का यो जिहा युद्ध है जिहड़ा दुनिया के टॉप 5 चों दूजे तीजे नंबर पर आ जाता सारी दुनिया ते इहनूं पढ़ाया जाता ते सानूं खुशी है कि चमकौर दी जंग दी तरह यह सारागढ़ी का जंग भी खालसा पंथ की झोली विच है। इसका भाव यह है कि सिख जिथे भी होंदा जिस फील्ड च भी होंदा उत्थे अपना फर्ज़ ते अपने गुरु नूं नहीं भुलदा ते वड्डी तो वड्डी कुरबानी देण लई तैयार रहिंदा भावें उह कुरबानी धन दी होवे भावें उह कुरबानी अपने जीवन दी होवे खालसा पंथ सदा ही मनुखता दे भले लई अपना आपा कुरबान करदा आया। मैं धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब दे प्रधान सरदार अवतार सिंह जी जनरल सकत्तर महेंद्र सिंह जी ढिल्लों समुची प्रबंधक कमेटी का जिन्हां दे सुचजे सहयोग सदका यह गिरदो नवा दियां संगतां सासाराम बनारस मुगल सराय और आसनसोल चारों पासियां दियां कोई 500 किलोमीटर दियां संगतां इत्थे पहुंचियां ने जिन्हां ने इस नूं बहुत प्रेम नाल महसूस किया कि साडा इतिहास की है। और मैं ये भी बेनती करना चाहुंदा कि सानू हर तरह का मीडिया वरत के भावें वह प्रिंट मीडिया है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है या इस तरह के प्ले ने सानू गुरमत दा गुरसिखी दा मनुखता दे भले लई प्रचार प्रसार विच वड्डा योगदान सदा तो साडा रहा है ते हुण भी उहनू असीं जारी रखदे आ। एक बेनती मैं होर भी करनी चाहुंदा कि 550 साल गुरु नानक देव जी का
सुल्तानपुर कौम की नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत वड्डे उपराले सदका करोड़ों की गिनती में संगत पहुँच रही ने। आप सारे वध चढ़ के पहुँचो। तख्त श्री हरिमंदर पटना साहब के प्रबंधक बोर्ड वालों अज सारागढ़ी के जेडे महान जरनैल शहीद होए ने 21 शहीद उन्होंने समर्पित अज एक नाटक का मंचन किया गया और उस नाटक में दिखाया गया कि सिख शूरवीर ने किन्ने बलवान से क्योंकि 12,000 काबले उन्होंने मुकाबला किया। इतों की तुम देखो कि फॉरन कंट्री में यह इतिहास पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने ईन नहीं मनी 21 जेडे सिंह से लेकिन उन्होंने पूरा मुकाबला किया अपने जिंदा जी उन्होंने गढ़ी उपर कब्जा नहीं होता लेकिन फॉरन कंट्री का इतिहास पढ़ाया जाता। पर साडे भारत सरकार को असं अपील करते हैं कि इतिहास जरा सा भी पढ़ाना चाहिए बच्चों जिंद पता लगे क्योंकि वो इंडिया के ही से जेडे 21 शहीद से 36 रेजिमेंट से जी तो अज प्रोग्राम किया गया ये सारिया संगत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने शहीदों याद भी किया और उन्होंने प्रणाम भी किया उन्होंने नतमस्तक भी हुए सारे। अज तख्त श्री पटना साहब जी कमेटी वालों एक सारागढ़ी की जी लड़ाई जंग शो होया वा इत्थे दे लोगों ने बहुत ही इहनूं चंगा मनिया वा तो इन्हों पता चलिया कि सिख कौम की है कहे जी आ किन्नी बहादुर आ। इस लोगों को यह जानकारी मिली आ कि वाकई में सिख कौम आखिर दम तक ही देश की और सारे की रक्षा करती है। ये बहुत ही लोगों को चंगा लग्या और बहुत ही साढ़े तारों सूद वास्ते बधाई मिल रही वा। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे समूह जिन्हें भी गुरमुख ने उन्होंने सारे गुरफतेह की सांझ और अज असी पटना साहब की धरती के उत्ते गुरु अज असी अपने दादके आए हुए हैं जी। अज असी अपने दादके दे विच सारागढ़ी का जिहड़ा इतिहास आ असी नाटकीकरण जिहड़ा हैगा दिखाया है कि किद्दां 21 सिंघां ने 10,000 पश्तूनां दे नाल जंग लड़ के ते इह जिहड़ी लड़ाई हैगी आ ये वर्ल्ड दी जिहड़ियां 10 लड़ाइयां ने उन्हां चों इक गिणी गई है और इहदे लई ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच हर साल हैट ऑफ किया जाता और सारे इन्हां 21 दे 21 शहीदों नूं श्रद्धांजलि दी जाती है और ये इक्को एक ऐसी लड़ाई हैगी है जिहदे विच सारे दे सारे जिन्ने भी शहीद ने उन्हां नूं जिहड़ा सब तो बैटर जिहड़ा आर्मी का जिहड़ा मैडल हैगा वो दिता गया हैगा 21 दे 21 शहीदों नूं और ये जिहड़ी लड़ाई हैगी है ये एक हक की लड़ाई सी और फर्ज की लड़ाई सी और धर्म की लड़ाई सी कि क्योंकि साडा धर्म सिखाउंदा कि जदों असी एक किसी का भी नमक खा लैंदे आ ते असी नमक हलाली नहीं करते असी देश कौम दे लई अपनी जान तक कुरबान कर दिंदे आ और ये शहादत की जिहड़ी दास्तां हैगी है वह संगतां ने भरपूर आनंद माणिया उस चीज़ का और अज बिहार की धरती दे उत्ते सानू माण हो रहा कि असी ये जिहड़ा पहला शो जिहड़ा बिहार की धरती ते कीता हैगा गुरु गोबिंद सिंह जी सानू इदां लग रहा सी कि गुरु साहब साक्षात सानू ये प्ले करदे नूं देख रहे ने और साडे सारे इस सिंघां दे विच ओह साक्षात आप आके ते उन्होंने सारा ये जिहड़ा हैगा टोटली जिहड़ा प्ले हैगा वह करवाया हैगा वो शहादतां दा दृश्य दर्शांकन जिहड़ा हैगा वो सारा संगतां दे रूबरू पेश कीता हैगा गुरु साहब की मेहर सदका होया क्योंकि मैं खुद पिछले 15 दिनों तो मैं हाई फीवर और टाइफाइड के नाल जूझ रहा सीगा पर अज मैनू बिल्कुल भी इत्थे स्टेज के उत्ते महसूस नहीं होया क्योंकि संगत का प्यार उन्हां दी जिहड़ी उन्हां दी एनर्जी मेरे अंदर बोल रही सीगी ते बहुत अच्छा फील होया इत्थे बिहार की धरती के उत्ते आके पटना साहब आके ये परफॉर्म करके बहुत आनंद बजा जी।